हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 सर। यस सर, यस सर, हेलो सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, हाउ मच स्टार्ट इन मॉड्यूल 4? You can tell me this origin taught, plant membrane difference, cell membrane taught. Plasma membrane. It is taught, already taught. Okay. Now function of cell membrane. Okay. So just before that, I want some question from Akriti Misra. Akriti Misra, please. Yes, sir. What is the describe the structure of cell membrane? Yes, sir. Describe the structure of cell membrane. Describe the structure of cell membrane. Yes, sir. Sir, don't know. Don't know. Okay. Yes, sir. Next student, Amita Paswan. Amita. Hello, Amita. आर्यन श्रीवास्तव। हेलो आर्यन सर। यस सर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आर्यन सर, आई डोंट नो। डोंट नो। Why don't know? Already I taught you in the previous lecture. Aryan, if my father को मैं call कर, call your parents. मैं रोक दूँगा class को, और सभी के parents को call करूँगा बैठकर. Yes, sir. Tell me why not? क्यों नहीं आता है तो? जब मैंने समझाया आपको, पढ़ाया आप लोगों को. और कोई डाउट पूछते नहीं आप लोग, कभी डाउट नहीं पूछते। अगर कोई डाउट होते आप पूछते नहीं है। बता दिया मैंने आपको, इसका स्ट्रक्चर लिखवा दिया है, ये मॉडल लिखवा दिया, फ्लूइड मोजे मॉडल समझा दिया आपको। इट इज फास्फोलिपिड, बायोलिपिड का बना हुआ है। फास्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं, एक ऊपर का लेयर होता है, नीचे लेयर होता है। और ये फास्फोलिपिड जो बायोलेयर होते हैं, ये इनका हेड होता है, फास्फोलिपिड का होता है। एंड इनका टेल जो होता है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल होते हैं। It is already taught, it is given to you, and after that अभी आपको नहीं आता है। देखो लिखा हुआ है, the fluid mosaic model have classified structure, these are formed of phospholipid bilayer। ये इसमें phospholipid के देखो bilayer दिखाया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर पढ़ाया था आप लोगों को। आप लोग तो घर पर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कितना भी आपको पढ़ा दें, इससे हम कोर्स लेकर के भागे हैं। ये देखिए, एक लेयर ये हो गया, पूरा लेयर यहाँ से चला गया। देखिए, ये पूरा लेयर हो गया, एक एक लेयर ये हो गया, और एक लेयर नीचे का लेयर होगा। जो कुछ लिखवा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बायलेयर का बना होता है, तो व्हाट द प्रॉब्लम विद यू? हैं, शाश्वत मिश्रा, शाश्वत। यस सर। बेटा आप लोग पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं? किए हैं सर। कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, इनके सबके नाम नोट कर रहे हैं हम, गमने लगता है। हैं? ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजेक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे, जे जेंथन सिंगर एंड ग्रिटी निकोलसन। सिंगर निकोलसन शॉर्ट में कहते हैं, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट हु हैज गिवन द दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज लुकिंग लाइक अ मोज़ेक इन विच द फ्लूइड इट इज अ फॉस्फोलिपिड। समुद्र में क्या करें, समुद्र के अंदर ओशंस में एक कई आइसबर्ग वहां पर तैर रहे हों,
तो यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड जैसे कि अभी दिखा दिया आपको डायग्राम में, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो तक पढ़ेंगे देखो कितना भी कोई पढ़ा देगा। ये देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आइस बर्ग देते होंगे, अंदर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, इसको हम आइसबर्ग कहते हैं, ऐसे आइसबर्ग मुझे ही के नुमाई लोग, और ये आइसबर्ग का प्रोटीन इज फ्लोटिंग इन फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड आपका है, ये फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर है, तो फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर के ओशन में मेनी मोर, ये जो आपके आइसबर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसके आइसबर्ग हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग हैं। तो ये मॉडल दिया सिंगल निकोलसन ने, अकॉर्डिंग टू सिंगल निकोलसन द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड इन विच फॉस्फोलिपिड फॉर्म द बेस दैट इज द ओशन दैट इज द फ्लूइड, और उस फ्लूइड में ओशन में उस पानी में ये बहुत सारे आइसबर्ग आप आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग, आप प्रोटीन को मान सकते हैं, आप प्रोटीन जो उसमें तैर रहे हैं उनको मान सकते हैं कि वो आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं आइस के, और इस मॉडल को ही मोस्ट पॉपुलर मॉडल टिल नाउ। तो आपको समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल इट इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, वन लेयर ये पूरा चला गया, वन लेयर ये चला गया, फास्फेट बाई लेयर एंड फास्फेट बाई लेयर इट फॉर्म द बेस इट फॉर्म द फ्लूइड, इसका नाम ही क्या फ्लूइड मोजेक, ये फ्लूइड में मोजेक यानी कि प्रोटीन जो मोजेक पैटर्न बना रहे हैं वो उसके अंदर धसे हुए हैं। अब प्रोटीन का ही टाइप बताया था हमने आपको, जो प्रोटीन अंदर धसे हुए हैं, देखिए अंदर है ये पूरा आर पार सिग्नल है, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के बाहर है, देखिए ये प्रोटीन एक है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं शाश्वत, क्या कहते हैं बेटा, पेरिफेरल, हाँ पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और कुछ ज्वाइन कर रहा है, और कुछ प्रोटीन देखिए ये यहाँ है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन है ये वाई प्रोटीन है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ये सब एक्सटेंसिव प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन का सिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर इन विच फॉर्म द बेस विच फॉर्म द फ्लूइड पार्ट विच फॉर्म द ओशन पार्ट इन विच द आइसबर्ग ऑफ द प्रोटीन दे आर एम्बेडेड हियर एंड देयर एंड देयर आर थ्री टाइप्स, वन इज द आउटर पेरिफेरल प्रोटीन, वन इज इनसाइड इंटीग्रल प्रोटीन, वन मेनी मोर दे आर आउटसाइड known as extensive protein, and in this from the outer surface many more ring like structure dikhai pad raha hai aapko, ye hote hain usme the glycolipid hote hain glucose lipid ke hote hain kuch glycoprotein hote hain glucose protein hote hain, clear, so this is about the structure of the cell membrane, cell membrane also known as spm, ye second ko phone aa raha hai, हाँ शाश्वत, हेलो यस सर, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज एसपीएम, व्हाई सर, बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टेन पार्टिकल्स टू मूव अलोंग, वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सम सिलेक्टेड पार्टिकल टू पास थ्रू इट, सेल मेम्ब्रेन सबको अलाउ नहीं करता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को अलाउ करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव पर्मियन मेम्ब्रेन एसपीएम, फॉर सिलेक्टिव पर्मियन मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, क्लियर। आप किसी को कोई डाउट बताए आप लोग, anybody have any doubt? Now I'm going to tell the function of cell membrane. What is the function of cell membrane? Function. First of all, पहला point है
cell membrane bind the semi fluid content to the cell and give it a different shape. सेल को देखेंगे, पहले सेल आपका है, ये सेल है, इसको जरा हम ग्राफ कर देते हैं यहाँ पर, ये तो सेल मेम्ब्रेन काम, पहला काम तो ये भी होता है, वो बाइंड करता है, कैसे दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखिए चाहे वो प्लांट्स रहो, और इट इज एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सभी को बाइंड करता है चारों ओर से. फर्स्ट पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन जस्ट इट सर्किल, इट बाइंड, इट इंक्लूज, इट सराउंड द फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के फ्लूइड पार्ट को पूरा चारों ओर से बांध कर रखता है, अभी मेम्ब्रेन ना हो सब चीजें बाहर निकल जाएंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट दैट सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या हो गया, हेलो कहाँ चला गया, ये एक डिस्टरबेंस आ गई भाई. एक मिनट में बता रहा हूँ, आ रहा हूँ टॉपिक पर, डिस्टर्ब हुआ था. हाँ तो हम बता रहे थे आपको ये फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो पहला बता दिया हमने कि चारों ओर से घेरता है ये सेल कंटेंट को, इट डजंट अलाउ टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, सबको अलाउ नहीं करता है नेसेसरी. तो एक बाउंड्री होता है, यू कैन से इट इज अ बाउंड्री, स्पेशली इन एनिमल सेल टोटली बाउंड ऑल द सेल कॉन्टेंट, और एक शेप देता है इनकेस ऑफ एनिमल, एनिमल केस में ये शेप देता है. ओके वेल, सेकंड नंबर, इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर, प्रोटेक्ट सेल कंटेंट and maintain internal environment of the cell. कोई दूसरा चीज है यहाँ पर था कि एक shape देता है, दूसरा एक content, internal content बता चुके already हमको, कि जो internal content होते हैं cytoplasm में, सर उनको सबको अंदर एक covering देता है. Clear? Cell membrane is selectively permeable membrane in nature and permit only certain substances to pass through it. उनका काम होता है सब्सटेंस जो नीड होती है. वीडियो नहीं दिखाई पड़ता हमारा, यानी आ रहा है, देखो अब आप पढ़ देना, पढ़ देता हूँ, खोलिए तुम यहाँ तक. सो मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज SPM. सो क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं. वाई बिट जैसे भी शासन बताया, अर्लियर शासन टोल्ड एवरीबॉडी दैट सेल मेम्ब्रेन, समझ है बेटा, ओके क्या बात है बताओ, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, ये किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नो, ओके तो आई आर टेलिंग दैट स्टूडेंट्स
Yes, sir. Any problem to you? Anybody? No, sir. Okay. तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इसका नेचर जो होता है बता चुके हैं हम, इट अलाउ टू पास थ्रू इट ओनली सम सिलेक्टेड पार्टिकल्स, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स पास हो सकते हैं विदाउट इसके परमिशन के, कोई चीज नहीं पास हो सकती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन SPM, या इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट परमिट ओनली सर्टेन सबस्टेंसेस, और कुछ चीजें ऐसे पास होती हैं, कुछ चीजें एनर्जी को खर्च करके पास होती हैं, यानी इसमें जो है मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मे बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो चीजें तो ये हम बात पढ़ाएंगे आपको, बट अभी आप जानते क्या है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इंगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड पार्टिकल्स, मुझे देखा होगा मैंने, जैसे देखा अमी भाई अमीबा, तो कोई फूड आता है तो उसका ये सूरपुड़े बढ़ जाता है, ऐसे ही उस फूड को इंगल्फ कर लेता है, ऐसे देखिए जैसे बढ़ करके फूड को इंगल्फ कर लिया और ये बन गया फूड वैक्यूल, क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो चूंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, ऐसे ही हमारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, यूसिनोफिल सेल्स होते हैं, हमारी होती है WBC भी लाइक अमीबा होती है, दे आल्सो सेल फ्लेक्सिबल होती हैं, तो जो कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कोई इन्वेडर आते हैं, कोई हमारे बॉडी पर हमला करते हैं बैक्टीरिया वायरस, तो उनको ये इंगल्फ कर लेते हैं, ऐसे सीडोपोडिया बनाती हैं, दे फॉर्म द सीडोपोडिया एंड दे इंगल्फ, दे फॉर्म द फूड वैक्यूल। आरएन श्रीवास्तव, एनी प्रॉब्लम आरएन, एनी प्रॉब्लम बेटा, एनीबॉडी? अरे यहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम है कहां पर? कहां बेटा, कहां बोले, कहां से? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वॉइस नहीं आ रही है सर, यहां आरएन। यस सर, यस सर, आरएन बोल रहे हैं। मेरा वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है मेरे चेहरे दिखाई पड़ रहा है, फेस? यस सर, वीडियो आ रहा है लेकिन वॉइस, वॉइस की फेस नहीं दिखाई रहा है सर। हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल नेचर, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इट कैन चेंज द शेप, कैन चेंज, कोई फिक्स नहीं, फिक्स हो इसका, देखिए ये कभी ऐसा होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इनकेस आप WBCs, ये जब कोई बैक्टीरिया को फायर पार्टिकल्स या फूड को आता है उसको एंगल कर लेती हैं, सो दे फाउंड द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स वो इंगल्फ कर लेती है और ये सेल का फीडिंग करती है, सेल को भोजन देती है इस तरीके से। नेक्स्ट, केमिकल्स प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस डिफरेंट अगेंस्ट माइक्रोब्स, मैंने बताया था अभी आपको कि हमारे बॉडी में यूसिनोफिल्स होती हैं, WBCs फैगोसाइटिक सेल्स जो कहते हैं फैगोसाइट करती हैं, तो ये क्या करती हैं, सपोज ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, अब यहाँ जो कोई सब्सटेंस आ रहा है बाहर से, कोई बैक्टीरिया है, कोई हार्मफुल चीज है कोई, तो उसको ये वही रोक देती है, उससे फाइटिंग करती हैं, तो इस तरीके से कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द फॉरेन सेल, कोई सेल के अंदर कोई बाहर से कुछ आ रहा है वो अनवांटेड है तो अलाउ नहीं करेंगी, अगर कोई जरूरी है देन अलाउ ओनली, इस तरीके से दे कैन रिकॉग्नाइज द एंड डिफेंड द सेल अगेंस्ट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं तो उसको पहचान लेती हैं, उनको किल कर देती हैं, इस तरीके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं ये माइक्रोब्स से। तो ये एंड हो गया है, इससे क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे, जो नहीं किए भेजें,
बिकॉज कल से चेकिंग स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, पूरा मॉड्यूल आज करके आप भेजेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें आपको कोई प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंसेस, सेल ऑर्गेनेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल, एंड आई टॉट यू अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो दिस इज यू नाउ नोट्स बना करके आप लोग और ग्रुप में शेयर करेंगे जिससे कि चेकिंग हो जाएंगी बाय टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो इवनिंग एवरीबॉडी मस्ट बी कंप्लीट द वर्क मॉड्यूल 4 दैट इज प्लांट एनिमल सेल डिफरेंस प्लांट एनिमल सेल, इसको आप लोग करके वर्क करके और पढ़ेंगे इस सेट ने कि छाप लिए, डोंट कॉपी ओनली, मस्ट गो थ्रू थोरली, रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक नहीं आप 100 बार पूछ सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप कभी फोन कर सकते हैं हमको कि सर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, वीडियो कॉलिंग बनाना चाहता हूँ, मैं कहीं भी हूँ एनीवेयर, आपको हेजिटेट नहीं करना है, आई एम जस्ट टीचर, डोंट थिंक ये तिवारी सर है बिग सर है, नो आई एम हियर योर बायोलॉजी टीचर हियर, आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स क्लियर माई स्टूडेंट, हेलो यस सर, हाँ तो हम नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र यस सर, यस सर, ओके बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है ना, यस सर, हाँ मैंने ये बताया कि किसी डाउट होती है, आप पढ़ते वक्त आपको रात के 10 बजे याद आ गया, 11 बजे मैं सोता हूँ, 12 बजे मैं सोता, so if you got any problem till 12 o'clock in the night in the morning anytime in the day anytime without hesitation think my friend aap so main aapka dost hu jab main teaching karta hu aapka friend hota hu aap as a friendly whatever you have problem you can share with me koi sankoch nahi hona chahiye nahi to hamara padhana bekar ho jayega okay beta now I'm going to next topic yes sir okay very well My dear students, oh ho, क्या हो गया ये? हाँ, तो ये मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 3 पढ़ा दिया मैंने आपको, नौ मॉड्यूल 4 पढ़ा रहे हैं आपको, मॉड्यूल 4 में क्वेश्चन इज हाउ सबस्टेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल इन डिटेल, आपको बताना है इस सेल के अंदर और बाहर कैसे कोई चीजें, आप सोच रहे होंगे कि ये दिखा रहे हैं आपको, इसको रब कर देते हैं, अब आपको पढ़ाना है हमें, एक सेकंड में 2 मिनट में पूरा रख रहा हूं, सेल के अंदर मैं बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ यहाँ पर, सपोज ये सेल है, कौन सा सेल है, एनिमल सेल है, तो कोई भी चीजें मान ली सेल में यहां पर फूड आ गया, अब फूड आ गया यहां से यहां यहाँ, अंसे बैटरी लो रही है, चार्जर लाओ, चार्जर लाओ, चार्जर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, बंद बंद हो जाएगा अभी तुरंत, चार्जर चार्जर चार्जर, स्टूडेंट दूर हो जाइए बच्चों, उस तुरंत ये बैटरी इसकी ऑफ होने को है, ओके वेलकम वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू,
बैटरी लो हो गई थी इसकी। हम बता रहे थे आपको कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर सेल के बाहर कैसे जाता है, क्लियर। देखिए तो ये मैं सेल बना दूंगा, सपोज यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, यहाँ कैसे जाता है? कई तरीके जाता है, बाई साइटोप्लाज्म होता है, मूव करता रहता है। उससे दूसरा होता है, एक और पढ़ाएंगे आपको अभी हम, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ये सब प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो है कॉन्टेंट्स यहां से वहां मूव करते रहते हैं। तो ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं अभी हम, यहाँ बनाएंगे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये टॉपिक हमारा है मॉड्यूल 4, हाउ सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर सेल के बाहर कैसे जाता है? सेल मेम्ब्रेन कौन तो फील हो रही हो कफी? कोई भी चीज सेल के अंदर, ये सेल है सेल के अंदर कुछ कैसे आता है, सेल के बाहर कैसे आता है, आपको ये जानना है। तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। अभी नाम सुना आपने, यानी बड़ी यस सर रुद्र कोई बोले भाई, हैव यू लिसन अबाउट डिफ्यूजन? यस सर। अपना नाम बोला करो बेटा, नाम बोल तुम जान जाए उसका नाम बुलाया करें। प्रतिका बेटा बताओ, रितिका बोलो। डिफ्यूजन इट इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस इन अ गैस और लिक्विड मूव्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन is achieved at both ends. Very good. Well done. बहुत अच्छा समझाया रितिका ने भाई, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये एक रूम है, रूम में आपने यहाँ पर एक सेंट स्टिक लगा दिया आपने, या आपने अपने सेंट स्प्रे किया है, तो मॉलिक्यूल यहाँ सेंट के ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, स्टेंसिटी की होगी, उसके मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा होंगे सेंट के, उसमें सेंट के सेंट होता है। या आपने सेंट स्प्रे किया, आपको पार्टी में जाना है, और बहुत आप लोग टेंट पेंट होकर तैयार हो गए हैं, और उसके बाद आपको खुशबू बिखेरनी है, हम सेंट क्यों लगाते हैं भाई? अट्रैक्ट समबडी, बगल में कोई जा रहा हो, अच्छा अरे वाह ये तो फला इस टाइप सेंट खुशबू आ रही है, कौन है, रुद्र प्रताप सिंह है या ये फला स्टूडेंट है, हैं? तो सेंट क्या होते हैं? जैसे आप सेंट को यहाँ स्प्रे करते हैं, सेंट के मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी आप कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंट मॉलिक्यूल इज हियर इन द कॉर्नर इज मोर, यहाँ पर सेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है। सुन पा रहे हैं आप लोग कंडीशन में?